Till now, we are done with how to start a class on a high note and how to develop the content in according to learning objectives. However, there is one more crucial aspect to the lesson planning, that is how to end or close a lesson, or how we can exit a classroom like a pro, aka cool downs. Every warm-up must end up with a cool down. Hi fellow teachers and educators, welcome back to Teachers Chini. Today we are going to talk about classroom exits or lesson closures. First, let's know what are lesson closures. Lesson closures is what teacher does to facilitate wrap-up at the end of the lesson. This intellectual work must be done by the student and not the instructor summarizing their student about what they have learned. This is the point where the assessment of the learning is done, and it helps teacher decide whether they need more practice or whether he need to reteach the topic or whether he should move with the next topic of the chapter. Lesson closure comes in the form of restatement of the instructional purposes, and it provides result for the teacher that he have taught what he has intended to taught the student, or he has completed the objectives of the lesson. Lesson closure in a nutshell. पहली चीज़ ये होती है नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट इन द लेसन. लेसन क्लोजर जो होता है वो नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट होता है, नेचुरल एंड होता है लेसन का. मतलब ज़बरदस्ती का लाया गया एंड नहीं होता, वो नेचुरली आता है ये एंड. सेकेंड चीज़ होती है स्टार्ट्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट टीचर जब स्टार्ट करता है या उसको इनिशिएट कराता है तो उस वहाँ से आपका क्लोजर जो है वो शुरू होता है. थर्ड चीज़ आपकी आती है कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट एंड. स्टूडेंट के एंड से ही बच्चा जो आपका क्लोजर होता है वो वहीं से स्टूडेंट के एंड से शुरू होता है. कभी भी टीचर उसको जो है फैसिलिटेट करा सकता है लेकिन उसको शुरू नहीं कर सकता टीचर. हमेशा क्लोजर का हिंट जो मिलता है वो हमेशा बच्चे की तरफ से मिलता है कि लेसन जो है वो क्लोज हो चुका है. अब ये कैसे, ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं. मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ. अब क्या है कि अगर आप क्या करते हो, एक क्लास लेते हो, उसमें आप एंटीसिपेटरी सेट्स भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, लेकिन जब आप आगे टॉपिक इंट्रोड्यूस आपने कर दिया एंटीसिपेटरी सेट्स के साथ, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हो सिंपली डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के आप एक्सप्लेन करते हो, लेकिन आप कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं कराते, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी नहीं कराते क्लासरूम के अंदर, और उसके बाद आप उसको क्लोज करने की कोशिश करते हो खुद उस केस में आप क्या करोगे, खुद समराइज करके क्लोज करोगे? या अगर आप असेसमेंट लेने की भी कोशिश करते हो, मान लीजिए आप असेसमेंट ले, बच्चा असेसमेंट में परफॉर्म ही नहीं करेगा सो वो आपको हिंट ही नहीं देगा कि लेसन जो है वो क्लोज होने वाला है, क्योंकि बच्चे ने लर्निंग की ही नहीं है. सो नेचुरल क्लोजर जो होता है वो अपने आप आता है, तब आता है जब आप सारी चीजें करते हो. ऐसे कभी भी नेचुरल क्लोजर आएगा ही नहीं, वो हमेशा से आपका क्या रहेगा, जबरदस्ती का लाया गया क्लोजर रहेगा. जब भी आप सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, जो जो एक्टिविटीज होती है, मतलब एंटीसिपेटरी सेट्स करोगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे, लर्निंग एक्टिविटीज कराओगे, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कराओगे, तो जो नेचुरल एंड है वो अपने आप आएगा. देन असेसमेंट को फैसिलिटेट करना से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको हमेशा बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चे के एंड से ही आता है. बच्चा जब असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करता है या कुछ करता है तो वहां से हमें पता चल जाता है इट्स ए क्लोजर. जब बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो वो क्लोजर है, और मतलब अगर नहीं कर रहा है तो हमें समझ आ जाता है कि अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये बच्चे के एंड से आता है. देन पॉइंट्स बैक टू द लेसन ऑब्जेक्टिव्स. जब भी लेसन क्लोजर होने वाला होता है तो वापस हमारे सारी चीजें जो है वो हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देती है. जो बच्चे का असेसमेंट होता है वो सारी चीजें जो क्या करती है, पॉइंट आउट करती है कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो अचीव हो गए हैं. तो ये अगर आपका लेसन एंड में जाके फिर से आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर दे, रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि लेसन क्लोज हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. देन शुड बी इंटरेक्टिव, एंगेजिंग एंड क्विक. शुड बी इंटरेक्टिव का मतलब यह है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लास्ट एक्टिविटी है हमारे लेसन की तो इसके बाद तो खत्म ही है, तो ये समझ के हमें ये नहीं करना चाहिए कि उसको इंटरेक्टिव ना बनाए, एंगेजिंग ना बनाए, बल्कि हमें वो एंगेजिंग बनाना है. वो क्यों बनाना है, क्योंकि लास्ट वाली चीज हमें समझनी है, दैट इज
should connect past and future lessons. क्योंकि ये क्या करता है, ये एक big picture दिखाता है, bigger picture जो होता है बच्चे को वो दिखाता है. क्योंकि ये क्या करता है, ये सिर्फ एक lesson का पार्ट नहीं होता, ये वो पार्ट होता है जहाँ हम उसको पास्ट लेसन्स के साथ कनेक्ट करके बताते हैं और फ्यूचर लेसन्स के बता रेफरेंस भी देते हैं कि फ्यूचर में वो क्या पढ़ने वाला है. तो हम उसको बिग पिक्चर देते हैं, तो जो आपका लेसन क्लोजर होता है उसमें बिग पिक्चर भी दी जाती है. तो इसलिए वो इंगेजिंग होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो एंटिसिपेट करे फ्यूचर लेसन को भी, उसके लिए भी क्यूरियस हो जाए कि फ्यूचर में हमें बच्चे को क्या सिखाने वाले हैं हम, वो उसके लिए भी क्यूरियस हो जाए. तो इन अब इसका क्या हमारे पास की टेक अवे निकलता है कि जो आपका प्रॉपर एग्जिट होता है या लेसन क्लोजर होता है वो तीन चीजों से मेन बनता है. फर्स्ट इज असेसमेंट, सेकेंड इज रिफ्लेक्शन एंड थर्ड इज बिग पिक्चर. असेसमेंट का मतलब है बच्चे को असेस करते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, असेस करते हैं उसकी नॉलेज को कि उसने सीखा है कि नहीं सीखा है. रिफ्लेक्शन का मतलब है हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, हमने क्या क्या पढ़ाना चाहते थे और क्या क्या पढ़ा दिया. और उसके बाद बिग पिक्चर दिखाते हैं बच्चे को कि कनेक्ट करके बताते हैं लेसन को. ये तीन चीजें अगर हम कर देते हैं लेसन के क्लोजर के टाइम पे, तो हमारा क्लोजर जो है वो प्रॉपर होगा, जो एग्जिट है हमारा वो एक प्रॉपर एग्जिट माना जाएगा. तीन चीजें करने से हमारा असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है. ये आज हमने सीखा, दैट इज असेसमेंट, देन रिफ्लेक्शन एंड देन इज अ बिग पिक्चर. असेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो असेसमेंट जो होता है दैट कम्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड टीचर, उसको फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट के एंड से वो आता है. लेकिन असेसमेंट जो होता है उसको फैसिलिटेट टीचर कैसे करता है, तो टीचर उसको एक एक्टिविटी के रूप में करा सकता है. वो एक्टिविटी वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, क्विज भी हो सकता है हमारा, या क्या हो सकता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है. सो इनमें से किसी भी तरीके से टीचर जो है वो असेसमेंट ले सकता है. वो कोई हमारा फाइनल एग्जाम्स वाला असेसमेंट नहीं होता, सबमिटिव असेसमेंट नहीं है ये हम हर लेसन के बाद में करते हैं असेसमेंट. और ये क्विक असेसमेंट होता है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी मान सकते हैं, उसकी एक टाइप भी मान सकते हैं. और ये असेसमेंट जो होता है क्विक होता है, इसलिए इसको बर्बल भी ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं. लेकिन ये आपको दो तीन मिनट, तीन चार मिनट के अंदर ही उसको ख़त्म करना है असेसमेंट को, ज़्यादा टाइम इसके लिए नहीं लगाना है. तो इसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्बल किस तरह से ले सकते हैं, रिटन किस तरह से ले सकते हैं, ये हम अलग प्लेलिस्ट में करेंगे, जिसकी बात हमने कल लास्ट के वीडियो में भी की थी कि हम एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं क्लासरूम एक्टिविटीज. तो इन एक्टिविटीज की, जो लेसन क्लोजर की एक्टिविटीज है, इनके बारे में भी हम उसी प्लेलिस्ट में बात करेंगे. लेकिन इतना हम जान सकते हैं कि इसको हम बबली भी ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं, क्विज भी ले सकते हैं और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी ले सकते हैं. अब बात करते हैं, देन कम्स द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन दोनों तरफ से आ सकती है. रिफ्लेक्शन जो है आप किसी बच्चे को बुला के स्टेज पे भी रिफ्लेक्ट बैक करा सकते हो, और यहाँ आप खुद से ही रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकते हो. देन तीसरी चीज बिग पिक्चर, ये टीचर के एंड से ही आता है. टीचर ही बच्चे को कनेक्ट करके बताता है पास्ट का लेसन और फ्यूचर लेसन जो वो देने वाला है, तो वो ये टीचर के एंड से ही होता है. तो ये तीनों चीजें जब आप कर लोगे तो आपका आपका जो लेसन क्लोजर है वो परफेक्ट बन के आएगा. That's all for today, and we will be back with another interesting video soon. So subscribe the channel and press the bell icon for the future updates. Bye-bye.